आप ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव में किसका चयन करेंगे सांसद किसे बनाना चाहेंगे हम तो सांसद उसी का बनाना चाहेंगे जो जो यहाँ के सत्ताधारी मतलब निरहुआ को जो हरा देने का काम करेगा भाजपा को तो जो हरा देने का काम करेगा हम लोग बैठेंगे मूल्यांकन करेंगे कौन है उनको हरा सकता है उन्हीं को वोट देंगे चलिए जुड़े हुए चालीस हजार लोग हैं जो प्रभावित गांव के हैं जो जिस गांव में जो प्रभाव पड़ा है इसमें चालीस हजार लोग हैं और चालीस हजार लोगों की पीड़ा है और दर्द है जिसको जो सरकार जो लोग समझेंगे जो इनकी पीड़ा इनके दर्द की जो बात करेगा उसको ये वोट करेंगे इसी के पहले तो जिताए थे आप ही लोग जिताए तो जिताने के बाद तो ये सुनने को मिला ना भाई जिताने के बाद ये सुनने को मिला चुनाव आए एक तो सात चरण में करा रहा है चुनाव है। और ये निरहुआ का दो चरण में चुनाव होता है, है। पहला चरण निरहुआ के पैर छुएगा दूसरा चरण उनका पैर जाके छुओ दो चरण में इनका चुनाव खत्म तो किसका चयन करेंगे कौन यहाँ उसी का चयन करेंगे जो निरहुआ को हराने में सक्षम होगा कि जो कभी अपने बाल बच्चों से भी मिलने न जाता हो तो वह बच्चा या और उसकी पत्नी भी उसको मानने से इनकार कर देते हैं को हमारा है ही नहीं है यानी आप लोग सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जी यहाँ नहीं आते हैं तो हम लोग मानेंगे ही नहीं कि वो मेरे सांसद आज तक तो नहीं आया अब क्या आएगा वो अब अगर आएगा तो मैं कितना भी मना करूंगा लेकिन महिलाएं तो स्वागत तो उनका कर देंगी कायदे से ये महिलाएं जो जी, आपके साथ जी, हाँ, जी हाँ। वो रणचंडी लोग हैं वो किसी के बस की नहीं है आजमगढ़ चुनावी सर्वे को लेकर के गांव गांव में हमारी टीम जब पहुंची तो गांव का ही एक दृश्य आपको दिखाते हैं हमारी मौजूदगी है खिरिया बाग में और खिरिया बाग में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एक तस्वीर देखने को मिलती है कि यहाँ पे धरना चल रहा है और धरना चल रहा है तो कई साल से धरना चल रहा है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और धरना प्रदर्शनकारियों से आंदोलनकारियों से जब हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पाँच दिन हैं और आज पूरा पाँच दिन पूरा हुआ है धरना पे बैठे हुए हैं बैनर पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश मजदूर किसान महापंचायत ये पोस्टर बैनर लगा करके यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन पे बैठ गए हैं अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन सैकड़ों लोग प्रतिदिन नियमित समय से यहाँ पे आते हैं धरना देते हैं ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि बड़े मुद्दे क्या होंगे किस बड़ी मांग को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठते हैं चाचा क्या नाम हुआ आपका राम यादव मैं इस आंदोलन का अध्यक्ष ये आंदोलन कब से चल रहा है कितने दिन हुए अभी तक ये तेरह अक्टूबर दो हजार बाईस से बराबर चल रहा है और इस आंदोलन में जो हमारी मांगे हैं वो सिर्फ इतना है कि हमारे ज़मीन को हमारे मकान को छोड़ दिया जाए और जो इसके ज़मीन और मकान के छोड़ने के साथ साथ हमारे जो जबरदस्ती रात के वक्त में बारह एक बजे रात में प्रशासन यहाँ पर आ कर के जो इस गांव के लोगों से मारपीटैया किया था और कुछ लोगों को लिया करके बंद भी कर दिया हम ये जान चाहते हैं कि इन लोगों को जांच करा करके इन उचित कार्रवाई इनके ऊपर कराई जाए ताकि ये लोग ऐसा दोबारा ना कर सके चंबल के लुटेरों की तरह से रात में आकर के जो इन लोगों ने किया वो उसके हम घोर निंदा करते हैं और इस सरकार ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है कितना दिन हुआ आंदोलन करते हुए पाँच दिन आज पूरा हुआ आज पूरा हुआ है, है। यहाँ पर ठंडी बारिश लू सब झेलते हुए लोग आते हैं और अपने इस मांग को लेकर के बैठते हैं अपनी दर्द कहने के लिए अगर यहाँ पर किसान और मजदूर इकट्ठा होते हैं तो प्रशासन को तो ना समझ में आए ना आए लेकिन जो इस इलाके का एमपी एम है लोकसभा सांसद वो निरहुआ जो ये बार बार कहता है कि आजमगढ़ के पूरे यादव हमारे साथ हैं कभी ये कहता है कि असली यादव उसके साथ हैं नकली यादव कहाँ रहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कभी अपने बाल बच्चों से भी मिलने न जाता हो तो वह बच्चा या और उसकी पत्नी भी उसको मानने से इनकार कर देते हैं वो हमारा है ही नहीं है यानी आप लोग सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जी यहाँ नहीं आते हैं तो हम लोग मानेंगे ही नहीं कि वो मेरे सांसद आज तक तो नहीं आया अब क्या आएगा वो अब अगर आएगा तो मैं कितना भी मना करूंगा लेकिन महिलाएं तो स्वागत तो उनका कर देंगी कायदे से ये महिलाएं जो जी, आपके साथ जी हाँ वो रणचंडी लोग हैं वो किसी के बस की नहीं है और ये सवाल उठता है कि हमारे बीच में वो आया क्यों नहीं और अभी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कह रहे थे कि निरहुआ जी अगर यहाँ पर आ जाए और कह दें कि आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं तो क्या होगा तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस सरकार में मोदी और अमित के अलावा किसी की चलती है कि निरहुआ की चलेगी निरहुआ इतना कर सकता है कि हमारी आवाज को वहाँ पहुँचा सकता है निरहुआ के बस का फैसला लेना नहीं अच्छा है आप भी मानते हैं कि एक अकेला सिंगल चेहरा निरहुआ है जो आपकी बातों को वहाँ पहुँचा सकता है सवाल नहीं उठता डांट के भगा देंगे अभी लोग। तो आपने कहा मैंने कहा कि उसका कर्म इतना ही हो सकता है कि यहाँ की आवाज वहाँ पहुँचा दे लेकिन उसकी हिम्मत ये भी नहीं है कि यहाँ की आवाज को वहाँ पहुंचावे और जब बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के एकदम दब गए हैं अमित और मोदी के आगे तो ये क्या गिनती है किस खेत की गिनती है और सवाल जो निरहुआ की बात का है तो जब निरहुआ की आकाही झूठ में अपना पैर डाले हुए हैं तो निरहुआ क्यों नहीं अपना सिर डाले तो ये लोग झूठ बोलने वाले हैं और झूठों पर हम लोग विश्वास नहीं करते चाचा क्या नाम हुआ आपका प्रेम नारायण प्रेम नारायण क्या प्रेम नारायण प्रेम, प्रेम नारायण गौतम गौतम निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उपचुनाव भी जीते थे आप लोग धरना पे बैठे हैं मांग क्या होगी और क्या चयन करेंगे निरहुआ का देखिए हम लोग चयन तो कतई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इनका बड़बोलापन है ये है फिल्मी एक्टर इनको जनता की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं इन्होंने ही कहा था कि आजमगढ़ के लोग बड़े मनबड़ हैं मार के घुटना पंचर कर दो या जेल में डाल दो या ऊपर पहुंचा दो ये किस मुंह से आएंगे चुनाव लड़ने जब आजमगढ़ तो के लोग मनबढ़ हैं, तो मनबढ़ों के सांसद क्या करने के लिए बनोगे इसके पहले तो जिताए थे आप हाँ। ही लोग जिताए थे। तो जिताने के बाद तो ये सुनने को मिला ना? हाँ। भाई जिताने के बाद ये सुनने को मिला हाँ। चुनाव आयोग तो सात चरण में करा रहा है चुनाव और ये निरहुआ का दो चरण में चुनाव होता है पहला चरण रहुआ के पैर छुएगा हाँ। दूसरा चरण उनका पैर जाके छुओ हाँ। दो चरण में इनका चुनाव खत्म तो किसका चयन करेंगे कौन यहाँ उसी का चयन करेंगे जो निरहुआ को हराने में सक्षम होगा और जाति पात से ऊपर उठ के चाहे जिस जात का भी आ जाए जिस दल का आ जाए हमें इससे कोई परहेज नहीं जो इसको हरा, हराएगा उसी को वोट दे दिया जाएगा क्या लग रहा है कौन हरा सकता है अब जो भी सामने देखा जाएगा उसका आकलन किया जाएगा आपस में बैठक की जाएगी फैसला लिया जाएगा तब दिया जाएगा अभी आप लोग मतलब किसी नतीजे पे नहीं है कि इस व्यक्ति का हम चयन करेंगे अभी तक कोई सामने नहीं आया तो कैसे चयन कर ले हम पहले जब कोई सामने आएगा तब चयन करेंगे आगे बढ़ते हैं चाचा जी क्या नाम हुआ आपका हमारा नाम दुखरन है जी हम्म लोकसभा चुनाव आया है और यहाँ से दो मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं आमने सामने धर्मेंद्र यादव जी हैं और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ क्या कहेंगे अब ये लोग लड़ रहे हैं लड़ने से हमारा इससे नहीं कोई मतलब है मतलब ये है कि हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ते हैं लेकिन जो हम लोगों को सत्ता का जो दंश हम लोगों ने झेला है हम लोग सत्ता के विरोध में ही वोट करेंगे दूसरी बात और एक और आप निरहुआ का चर्चा कर रहे थे इस धरने के दरम्यान अभी तक तिरासी लोगों की मौत हो गई और इतना संवेदनहीन यहाँ का सांसद जो आ करके हाल चाल लेने नहीं आया कि इस सब में जो जमीन जाने का मकान छीन जाने का जो पीड़ा है जिसके सदमे में से लोग मर रहे हैं उनके यहाँ उंगना करने तक नहीं आए उनसे हालचाल लेने तक नहीं आए नहीं। आप बताइए कि यहाँ की जनता कैसे उनसे संतुष्ट होगी और कैसे उनको वोट देगी अच्छा इसके पहले उपचुनाव में आप ही लोग विश्वास जताए थे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू यहाँ के सांसद बने थे तो क्या उम्मीदें थी उस समय क्या देख करके आप लोग जो है चयन किए निरहू का और आज खफा ये लगा न कि अब ये कुछ नया काम करेंगे वो नारा देते थे वो गाना गाते थे कि जो कुछ नहीं कोई ने नहीं किया वो हम सब करके दिखाएंगे ये तो गाना और, बहुत पहले चला हाँ, तो आज भी वो गा रहे और कहने लगे कि नहीं हम तो यहाँ जाएंगे जनता की बात सुनेंगे लेकिन जनता की बात सुनने का सवाल है कि हम तो ज्ञापन लेकर उनके बंगले तक गए हैं कार्यालय तक गए हैं और कार्यालय में मतलब हम लोगों का ज्ञापन नहीं लिया गया और वहाँ एक आदमी बैठा ले ले भेज देंगे भेज देंगे और वो हम लोगों से कभी मिले हैं हम लोग मिलने जाते हैं हम लोगों से मिलते भी नहीं हैं अब उनसे और हम क्या बात कहें कितने की संख्या होगी इस धरना से जुड़े लगभग कितने होंगे धरना से जुड़े हुए चालीस हजार लोग हैं जो ये प्रभावित गांव के हैं जो जिस गांव में जो प्रभाव पड़ा है इसमें चालीस हजार लोग हैं और चालीस हजार लोगों की पीड़ा है और दर्द है जिसको जो सरकार जो लोग समझेंगे जो इनकी पीड़ा इनके दर्द की जो बात करेगा उसको ये वोट करेंगे अच्छा चुनाव का ये माहौल चल रहा है सभी पार्टियाँ सभी प्रत्याशी जाएंगे प्रचार प्रसार करेंगे ऐसे में अगर निरहू यहाँ आते हैं तो क्या आप लोग उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं अगर वो हाँ कहते हैं तो क्या आप लोग उनके समर्थन में समस्या तो रखते हैं लेकिन उनकी वही है कि विश्वास कैसे किया जाए जब आप जब उनके नेता प्रधानमंत्री किसानों से समझौता करने के बाद वादा खिलाफी कर गए और एक बात नहीं किए नहीं एस की बात किए अने किसानों पर लगाए गए मुकदमा के वापस किए अन्नी टेनी जो चेनी का लड़का जो किसानों को रौद करके मार डाला उसको भी उन्होंने आज तक मंत्रिमंडल में बनाए रखे हैं और ये जो है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो पहलवानों के साथ बदतमीजी किया यही उनके सब परिवार के लोग है, है, है किसानों के द्वारा मांगे गए मांग सारी पूरी किए तो कैसे विश्वास कर लिया जाए का प्रधानमंत्री मुखिया ही झूठ बोलता है तो इनकी बात पर हम कैसे विश्वास कर लेंगे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी

थे। उनको खाना तक नहीं मिला पानी तक नहीं मिला उसके लिए झगड़ा करते रहे अब पैसा मांगे इन लोगों को वहीं चले गए इसी मधुरी पर रो रही थी और कह रही थी कि हमको पांच सौ रुपया पर लाए हमको पैसा नहीं दिए हमको खाना नहीं दिए हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के देखिए वो कहा कि बिस्कुट लोगों ने खिलाया कि हम ये यह यही लोग बटोर के इनका यहाँ पर आकर के इन्हीं लोगों से इनकी जनसंख्या बढ़ी है आजमगढ़ के लोग कम से कम वहां पहुंचने नहीं दिया गया चारों तरफ से बैरिकेटिंग थी आजमगढ़ के लोग अगर जा सकते थे वहाँ तो वहाँ नहीं जा पाए हैं बाहर से जिन लोग आए हैं जो बनारस से लेकर के जौनपुर बलिया सारी जगह से लोग आए हैं उन्हीं लोगों की यहाँ भीड़ थी आजमगढ़ जनता उनको नहीं पसंद किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ऐसे में ये एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा तो यहाँ से फ्लाइट जो है देश विदेश के लिए उड़ान भरेगी यहाँ का विकास होगा ऐसे में क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं देखिए विकास का मतलब ये नहीं है ये विकास का मतलब है कि ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से जमीन वापसी के लिए कानून को वापस लेने के बाद ये पिछले दरवाजे से किसानों की जमीन छीन एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट के नाम पर और जो है हाईवे के नाम पर और जहाँ जहाँ भी किसी विभिन्न तरीके से ये जमीन

उनसे पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं और ज्यादा ज्यादा उनको लाभ दे करके लाभ पहुंचाने का काम करते हैं ये, यही है ये जनता पूरा विश्वास जनता एयरपोर्ट के लिए अगर यहां की जमीनों को को जो है 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 अधिग्रहित किया जा रहा रहा तो क्या उसका उचित मुआवजा आप लोगों नहीं नहीं मिल मुआवजे का सवाल ही नहीं है हम लोग यहाँ जानते हैं कि छोटी छोटी जोत के रहने वाले लोग हैं इनको उजड़ जाने के बाद पुनर्वास इन लोग नहीं कर पाएंगे और जाकर के जमीन कहाँ खरीद करके बसेंगे यहाँ पर साठ सत्तर प्रतिशत दलित आबादी है जिनके पास टूटे फूटे मकान है यह जातवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई बड़ी जात इनको पड़ोस में नहीं बसाएगी इनको जमीन भी नहीं देगी ये खाना जिंदगी जीने को हो जाएंगे मजबूर हो जाएंगे इसलिए इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम न मकान देंगे ना हमको मुआवजा चाहिए हम जो भी कुछ बचा है उससे अपने भविष्य के अपने बच्चों की भविष्य की गारंटी करेंगे हम वो रहेंगे धरना कब तक चलता रहेगा ये धरना तो जब तक चलेगा जब तक हमारी बात मान ली नहीं जाएगी हम ये जानते हैं कि सरकार ये चुनाव के दरमियान हमारा धरना आईयो वादा खिलाफी जो किया है वो पूरा नहीं करेगी और बाद में चुनाव के बाद भी हमको धरना देना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार जब तक लिखित नहीं दे देती है या सरकार जब तक हट नहीं जाती है हमको धरना देना हमारी मजबूरी हम बात है इसके लिए धरना देने चलिए एक अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा आप ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव में किसका चयन करेंगे सांसद किसे बनाना चाहेंगे हम तो सांसद उसी का बनाना चाहेंगे जो जो यहाँ के सत्ताधारी मतलब निरुआ को जो हरा देने का काम करेगा भाजपा को जो हरा देने का काम करेगा हम लोग बैठेंगे मूल्यांकन करेंगे कौन है उनको हरा सकता है उन्हीं को वोट देंगे चलिए तो मित्रों खिरिया बाग से आप रिपोर्ट देख रहे थे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं कितने बजे से आते हैं आप लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ दो तीन बजे तीन बजे से आ जाते हैं महिलाएं थोड़ा घर और का अपना काम करके अपना निपटा करके सभी आ जाती हैं बैठती हैं और यहाँ धरना देख यह करके जाती हैं ये करीब करीब चार बजे साढ़े बजे आ जाती हैं कितने घंटे बैठते हैं यहाँ दो तीन घंटे तो बैठते ही हैं बैठते हैं डेली तो मित्रों आप लोग को बता दें कि खीरियाबाग में यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये प्रतिदिन नियमित आज 524 दिन पूरा हुआ है और ये प्रतिदिन यहाँ पे आकर के धरना देते हैं बात जब इनसे लोकसभा चुनाव पे होती है कि अपना सांसद किसे चुनेंगे तो इन लोगों का कहना ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी सांसद को हराएंगे उनको हमारा जनमत रहेगा इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार